बच्चों की शुरुआती शिक्षा सही माहौल में हो तो ये बच्चे भविष्य में अपना नाम रोशन करते हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता व स्कूल का भी नाम रोशन करते हैं। और कुछ ऐसा ही माहौल है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए जहानाबाद के खान बहादुर रोड थानेश्वर बाबू के हाथा में अवस्थित शिवा किड्स प्ले स्कूल में, जो MPC के सौजन्य से संचालित है। शिवा किड्स प्ले स्कूल में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए वो तमाम तरह की सुविधाएं व्यवस्थित है, जिसमें खेल कूद के लिए तरह तरह के खिलौने, स्लाइडर सहित कई तरह के इंतजाम है। बच्चों के लिए गीत संगीत एवं नृत्य के लिए पूरी व्यवस्था है। शिवा किड्स प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को वो सारी चीजें सिखाई जाती है, जैसे खाना पीना, बात करना। समय समय पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार द्वारा बच्चों को गाइडेंस किया जाता है, खुद अपने हाथों से बच्चों को संभालते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो सारे प्रयत्न करते हैं ताकि बच्चे आगे चलकर शानदार बन सकें, नंबर वन बन सकें। जहानाबाद के खान बहादुर रोड में शिवा किड्स प्ले स्कूल छोटे छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे स्कूल आने के बाद घर जाने का नाम नहीं लेते। यहां शानदार माहौल है, एक्सपीरियंस अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की पूरी टीम है। बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और समय समय पर बच्चों के अभिभावकों के साथ भी मीट कर बच्चों की गतिविधि के बारे में जाना जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे शानदार बने तो खान बहादुर रोड में अवस्थित शिवा किड्स प्ले स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन अवश्य कराएं। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। सर, मैंने तो पहला नीम 2003 में ही डाल दिया था, ये मॉडर्न प्रिंसिप चिल्ड्रेंस स्कूल, जो चिल्ड्रेंस स्कूल जहानाबाद में नहीं था। और ये जहानाबाद में अब MPC हाई स्कूल का रूप ले चुका है, मगर चाइल्ड स्कूल काफ़ी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मगर मेरा अथक प्रयास था कि छोटे छोटे बच्चों को जो चाइल्ड स्कूल में फीस लिया जाता है काफ़ी, उस फीस को हम बहुत कम कर दें। मात्र 600 मंथली फीस यहाँ का है, इसमें इनका भाई हमारे तरफ से बिस्कुट हो, चॉकलेट हो, क्योंकि छोटा बच्चा को जब तक आप पे प्यार दुलार से चॉकलेट बिस्कुट नहीं देंगे तो वो आना नहीं चाहेगा। अभी आप कुछ पल देखे होंगे हमारे साथ बच्चा किस तरह व्यवहार किया, प्यार किया। और ये नहीं हम सर कहना कि माता ही बच्चे के लिए सार्थक होते, नहीं, बच्चे के लिए पिता बहुत सार्थक होते हैं और गुरु भी होते हैं। और खास प्रमोद सर, बच्चों में ही प्राण है और बच्चों का ऐसा संसार जो खान बहादुर रोड में हमने एक नीम डाला, शिवा किड्स प्ले स्कूल, जो आपको थानेश्वर बाबू के हाथा में है। यहाँ पे हम सर कोई कसर नहीं छोड़े न छोड़ेंगे। पेरेंट्स बशर्ते जहानाबाद को हमको समझें। यहाँ पे प्रोजेक्टर, जबकि कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं, म्यूजिक सिस्टम प्लस खिलौना जो बच्चे के लिए सार्थक हो। और कहा जाता है ना सर कि सेवा की भावना होनी चाहिए इंसान में, सेवा की भावना, अगर सेवा की भावना है ना, तो मेरा तो पहला ही कहना है कि जिस पर माता रानी का साक्षात दर्शन हो तो उसको सेवा तो भाई करेगा ही। बच्चों के साथ आप पूरा घुले मिले हुए हैं सर, बच्चा हमारा प्राण है। पहले तो मैंने बताया ना कि बच्चा ही मेरा संसार है। आज जो जहानाबाद में 2003 के पहले जो हम थे, एक आम इंसान थे, प्रमोद कुमार के नाम से लोग जानता था, अभी नहीं जानता था, वही लोग जानते थे जो हम निजामपुर में रहते थे ना, कुछ लोग जानते थे। मगर अब हमें प्रमोद सर नहीं, हमें प्रमोद सर की उपाधि जहानाबाद देता है और वो देने का श्रेय हमारा बच्चा है। क्या क्या सुविधाएं हैं सर खान बहादुर रोड में? सर यहाँ पे म्यूजिक, लाइटिंग, लाइट से सुशोभित, डांसिंग क्लास। कितने साल के बच्चों का है ये यहाँ पे सर? हम अगर 2.5 साल का बच्चा भी हो, अगर बशर्ते केवल
तीन दिन उसको रखते देखते हैं कि हाँ और रह जाता है तो हम एडमिशन लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोग? जहानाबाद से हम कहना चाहते हैं सर कि अभी एडमिशन कुछ नहीं ले रहे हैं सर, जितनी मेहनत है जितना हमारा यहाँ प्रयास है हम नहीं लेना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जहानाबाद का हर बच्चा IAS बने। तो हम तो भाई MP से हाई स्कूल तो है ही मेरा, मगर जब तक हम छोटे बच्चे से उसे नहीं तरासेंगे एक सुनार के भांति, तो गाना कहाँ से तैयार करेंगे? ये गाना IAS का IPS का, लोग बहुत अभी हंसते होंगे हमारी बात को सुनकर कि IAS का नवी जहानाबाद, मगर हंसना मत है। अभी हमारा रंग ला रहा है, 19 वर्ष हमारा स्कूल का हो चुका, बहुत सारा लड़का हमारा अमेरिका में भी है, बहुत सारा लड़का हमारा यूक्रेन में भी डॉक्टर बनकर आया है, कांति शर्मा का बेटा तो मेरा ही पढ़ाया हुआ है।